तो आज हमारा हो रहा है स्कूटी में मोटो व्लॉग। तो तुमने मेरे को झूठ क्यों बोला? झूठ है? अब तेरी पिटाई शुरू। झूठ बोलेगा? मैंने क्या कहा? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है काफी ज्यादा देर में और अभी बज रहे हैं शाम के 4:50 बजने वाले हैं। और सबसे पहले तो आज लोगों को बताता हूँ, आज से मेरा ट्यूशन शुरू हो चुका है। मतलब मैं और साहिल जा रहे हैं, मतलब मैं वही ट्यूशन में जाना जहाँ पहले जाता था ना, तो वहीं जा रहा हूँ। वैसे तो मैं अपने दोस्त के यहाँ जाने वाला था, राज चौहान, जो जिसका कोचिंग सेंटर है रिबिल्ड क्लासेस ना, पर क्या हुआ कि घर वाले कह रहे काफी ज्यादा दूर हो जा रहे ना, तो पास में लगा ले। सो 5 बजने में बस 10 मिनट बचे, मैं निकलता हूँ। साहिल तो बोल रहा कि मैं वहीं पहुंच जाऊंगा जल्दी से, क्योंकि वो पास में रहता ना, मतलब ट्यूशन कोचिंग के बगल में उसका घर है। और आज हमारे पास बुलेट नहीं, आज हमारे पास स्कूटी, क्योंकि पापा गए हैं पहाड़ बुलेट लेके, तो आज हमको स्कूटी मिल रखी है। तो स्कूटी में हम लोग मोटो व्लॉग भी करेंगे, पहले ट्यूशन पढ़ेंगे उसके बाद मोटो व्लॉग करने जाएंगे, फिर घूमेंगे जो भी है ना। मतलब ले जाएगा ना, तो स्कूटी को ढंग से रखना वहाँ पर, ठीक है? उठा दे रहे आजकल। तो मैं तो फिलहाल सोच रहा हूँ निकल लेते हैं, 10 मिनट थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे। तो क्या जा रहा हमारा? 4:58 हो चुका है अभी। फिलहाल धूप ज़्यादा नहीं आ रही है, सही आ रही है। सबसे बढ़िया मौसम है व्लॉग करने के लिए, खासकर दिन में तो इतनी धूप हो जाती है ना। आज मैं सुबह से बाहर निकला भी नहीं वैसे भी। यार स्कूटी में ना मुझे एक चीज़ सही लगती है कि आवाज़ ज़्यादा बिल्कुल नहीं आती है, बुलेट में तो थोड़ी आवाज़ आती है। और इसका माइलेज यार मज़ेदार एकदम, माइलेज इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब मैं 100 रुपये का तेल डालूंगा तो कम से कम ये 50-60 किलोमीटर तो चली देगी। बुलेट में तो ऐसा है कि मतलब 100 रुपये का तेल डालोगे कम से कम 30 किलोमीटर चलेगी। तो आज हमारा हो रहा है स्कूटी में मोटो व्लॉग। साहिल को फोन करता है यार कि साहिल कहाँ है, साहिल के साथ ही चलूंगा अंदर। सर यार अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी फिलहाल ट्यूशन भी कंप्लीट हो गया हमारा, और फिलहाल हम लोग व्लॉग बनाने चलते हैं आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं है। स्कूटी में ये सही ना, हेलमेट को हम लोग नीचे भी रख सकते हैं। यार वैसे ट्यूशन की छुट्टी तो हो गई है, तो समझ नहीं आ रहा जाए तो जाएगा, आज हमारा कुछ काम नहीं है, आज हम पूरे फ्री हैं, तो समझ में नहीं आ रहा हम लोग आज जाएगा। यार आज हम पे कुछ काम था नहीं, तो हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत बाहर घूम के आते हैं स्कूटी में, स्कूटी में आज का मोटो व्लॉग ही कर लेते हैं। और पता है मैंने अपने व्लॉग में यार एक चीज नोटिस कर रहा हूँ आजकल, जब भी मैं ना वाइजर ऊपर कर रहा हूँ ना, तो आवाज़ की क्वालिटी उतनी क्लियर नहीं आ रही है, और अगर मैंने वाइजर डाउन करा है तो आवाज़ की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा क्लियर आ रही है। क्योंकि मैं वाइजर को जैसे ऊपर करता हूँ तो हवा आती ना, तो विंड की वजह से थोड़ा अजीब हो जाता है, वॉइस उतनी क्लियर नहीं आ पाती विंड की वजह से। स्कूटी ऐसी गाड़ी है ना, कहीं भी निकल जाती है, मतलब अंदर अंदर पे स्कूटी से कितने भी कट मार लो, बुलेट इतनी भारी गाड़ी होती ना तो उससे उतने पढ़ नहीं पाते, तो उसको तो जरा ध्यान से चलाना पड़ता है। स्कूटी तो ऐसी है कि मतलब हाथ सेट रहता है हमेशा स्कूटी में। यार आज ना आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग भी मतलब मेरे मोटो व्लॉग्स देखते हैं ना, और ये उन लोगों को बताना चाहता हूँ मैं जिनके पास अच्छी बाइक नहीं है, या फिर मतलब मोटो व्लॉग करने के लिए मतलब उनको बहुत दिक्कत होती है ना। तो यार जैसे देखो मैं स्कूटी में मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, तो वैसे आप भी कर सकते हो यार, आपके पास बस एक व्हीकल होना चाहिए ना, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बाइक ही हो, वो भी तगड़ी बाइक ही हो, आप कोई भी गाड़ी में मोटो व्लॉग कर सकते हो। जैसे देखो अभी मैं कर रहा हूँ मोटो व्लॉग, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही करने में, मुझे ना शर्म आ रही ना कुछ हो रही। हाँ मतलब लोग कुछ कहेंगे तो उनकी नहीं सुनने की है, क्योंकि मुझे पता है लोग आजकल बहुत कुछ फालतू कहते हैं अगर आप कुछ भी करो तो, पर आपको लोगों की नहीं सुननी है, आपको अपनी सुननी है। अरे अंकल जी आप गाड़ी काट रहे, जरा इंडिकेटर भी दे दिया करो, इंडिकेटर भी होता है कार में जैसे हम देते हैं। अंकल जी गाड़ी ऐसे करके काट रहे, इंडिकेटर भी नहीं दे रहे, हमको क्या पता कि अंकल जी कहाँ जाएंगे, हम अगर वहाँ से कुछ जाते तो एक्सीडेंट नहीं हो जाता? ऐसे थोड़ा छोटे मोटे चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए यार। यार आजकल तुम्हारे दीपक भाई आजकल इतने ज़्यादा गरीब हो गए ना, इतने ज़्यादा गरीब। हमारे सामने बर्गर किंग है, और बर्गर किंग एक ज़माना था जब हम जाया करते थे, आजकल हम अपनी गरीबी को देख के बर्गर किंग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी परिस्थितियाँ समझते हैं, हम अपनी परिस्थितियों को क्या कहते थे थोड़ा देख कर चलते हैं आजकल। ओ भाई अभी पता है पीछे रोड के यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा था ना, इतना गहरा गड्ढा था ना, वो अगर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती ना कसम से रुक जाती सीधे ऐसे करके, मतलब पीछे का टायर ऊपर उठ जाता, बड़ा गंदा गड्ढा था बीच रोड में भी। तो यार देखते देखते अंधेरा भी हो चुका है, और ना यार यहाँ पे आधी आ चुकी है, मतलब आधी के मतलब हवा चलने लग गई है बहुत तेजी से, और इस समय मतलब मैं अपना वाइजर भी डाउन नहीं कर सकता, अगर वाइजर डाउन करोगे तो मुझे बहुत ही कम दिखाई देगा। मैं तो यार अभी पापा के होटल जा रहा हूँ, क्योंकि पापा को स्कूटी देकर आऊंगा ना, अगर पापा होटल में आ गए होंगे पापा को स्कूटी दे देंगे, वहाँ से अपनी बुलेट ले आएंगे। अबे ये तो गाड़ी भी हिल रही भाई हवा से। यार मैं पता इधर को आता नहीं, मैं इसलिए आया ना क्योंकि यार आज का व्लॉग भी नहीं बना था, मैंने सोचा चलो ऊपर को थोड़ा बहुत घूम आते हैं, और मैं अब इतना पास पहुंच गया था, फिर मन कर रहा था कि यार अब घर जाके वापस कोई फायदा नहीं, इससे बड़ा चली लो ऊपर तक। पूरा हमारी बुलेट तो यहीं पर ही खड़ी है, एलिस किचन का बोर्ड तो गिर गया रे, और ये रही हमारी बुलेट, बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी, जो कि कल धुलवाएंगे हम इसको। बुलेट के मालिक आ गए, ये बुलेट के मालिक हैं, बुलेट के मालिक आ गए।
ये धोखेबाज मालिक हैं। धोखेबाज मालिक क्या है? धोखा मैंने क्या दिया सर? आज पापा गए थे पहाड़ को, मैं भी जाने वाला था, पर क्या था कि मेरा ट्यूशन था और भी मुझे थोड़ा बहुत काम था ना घर पे, क्योंकि मैंने आज की वीडियो भी जल्दी मतलब एडिट नहीं की थी, अपलोड भी आज मतलब 12 बजे की बात की थी और पापा को तो सुबह जाना था, तो अगर मैं जाता तो मेरी वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पाती ना, तो इसलिए मैं गया नहीं। और पापा कितने बजे आए थे? मैं 8 बजे गया और अभी 6:30 बजे आ गया। कितना किलोमीटर था? किलोमीटर दीवान कितना होगा? यहाँ से होगा 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर हमने जाना दोनों? 160 मतलब 160 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया गाड़ी में। और गाड़ी बाहर से देखोगे ना इतनी धूल हो रखी है ना पूरी गाड़ी में, अब कल धुलवाएंगे गाड़ी को, शोरूम से धुलवा लूंगा, शोरूम में क्योंकि फ्री में धुलती है ना मेरी गाड़ी। तो चलो फिलहाल हम लोग चलते हैं सीधे घर को, तो फिलहाल आप बुलेट निकालते हैं और यहाँ से हम लोग बुलेट में जाएंगे। ये बुलेट बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, मन तो कर अभी धुलवा दो पर अभी नहीं धुलवा सकता ना, इतनी रात हो गई है, इसको हम कल ही धुलवाएंगे। हम लोग ऊपर को स्कूटी में गए थे और नीचे को आ रहे हैं बुलेट में। यार ये पता नहीं इसके डिस्क ब्रेक को क्या हो रहा है यार, आगे वाले को बहुत ज्यादा ढीला ही हो रहा है, इसको भी सही कराता हूं, इससे मतलब रिस्क है यार, अगर बाय चांस कभी ब्रेक नहीं लगे चलते हुए गाड़ी में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यार हम लोग तो अपने गाड़ी को दिखाने के लिए आए थे पर दुकान तो बंद हो रखी है, अब शायद से हमको कल ही दिखाना पड़ेगा। यार मेरी गाड़ी पता गड्ढे में इतनी आवाज कर रही है ना यार, ये ब्रेक फिर आवाज कर रहे इसके, मतलब यार मुझे अपनी गाड़ी की दुर्दशा देखी नहीं जा रही यार कसम से, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है यार, मुझे ना अभी कहीं भी कोई दुकान मिल जाए ना मैं तो भाई सच में अपनी गाड़ी से ही करा दूंगा यार, क्योंकि मेरी गाड़ी जरा सी भी आवाज़ करती ना कुछ अंजर बंजर उसके मुझे बड़ा अजीब हो जाता है यार। अब इस गाड़ी के साथ ऐसी अटैचमेंट होगी ना कि मैं यार इसको अपने शरीर का एक पार्ट जैसा समझने लग गया हूँ यार, क्योंकि अभी इतना रोज़ ही इसमें घूमते हैं तो यार कुछ भी दिक्कत होती ना गाड़ी में बड़ा बुरा लगता है। फिर पता है पापा ने मेरी गाड़ी में 1100 रुपये का तेल डालवा रखा। मैंने मम्मी को बोल दिया मम्मी गाड़ी को धक्का लगाओ, मैंने गाड़ी को आज ना ऑन करके नहीं करा। मैंने क्या करा, मैं गाड़ी लाया, मैंने गाड़ियां बंद कर दी, मम्मी को गाड़ी में तेल खत्म हो गया था धक्का मार दो, मम्मी ने खूब ताकत ला के धक्का मारा तब जाके गाड़ी ऊपर चढ़ाई, मम्मी को तो वैसे आज गाड़ी में तेल फूल है एकदम। तो अभी हम लोग घर तो आ चुके हैं और जल्दी सब GoPro की जितनी फाइल्स हैं वो सारी फोन में लेते हैं और देखते हैं कितना ज्यादा व्लॉग बना है अभी हमारा, अगर बन गया होगा अच्छा खासा तो अभी एंड कर देंगे, वरना इस व्लॉग को हम कल तक कंटिन्यू रखेंगे। और वैसे भी कल सुबह आई थिंक मुझे कहीं जाना है, वो तो कल सुबह पता लगेगा, अभी तो नहीं बताने वाला मैं, कल सुबह बताऊंगा। तो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे और अभी बज रखे हैं मॉर्निंग के 9:40। मम्मी आज सुबह का नाश्ता बना रही है, पापा फिलहाल नाश्ता खा रहे हैं, आज सुबह हमने जल्दी वो बना दिया दाल भात बना दिया, जिससे कि दिन में आज दाल भात नहीं बनेगा तो दिन में आज कोई खाना नहीं होगा, मैं तो फिलहाल खा लिया खाना। कहाँ है अभी मम्मी? आज खाना नहीं बना भाई, जल्दी बना दिया, भात दाल बना रखा मैंने, दाल चावल दिन में थोड़ा बनेगा, अब की बना खाना है कह रही हूं। आज हमको दो पार्टी में जाना है, एक दिन में नामकरण में और शाम को फिर शादी में जाना है ना बाबा, शादी की पार्टी है शाम को। चुन्नी के ऑर्डर किया हमने, खाना देख पापा शाम को शादी की पार्टी में और मैं जाऊंगी नामकरण की पार्टी में, दिन में हमारा खाना हुई है शाम का पापा का होने को, तो मेरे को बर्थडे का भी आ रहा है मगर मैं शाम को टेक। और ये खाने में है दाल भात और अरबी की सब्जी। सर कैसे? अभी ना जस्ट मुझे साहिल का कॉल आया था और साहिल बोल रहे कि आज हम लोग जाने वाले 7 साल में, क्योंकि वो बोटिंग फ्री करा रहे हैं वहाँ और भी कुछ जो भी है, और ये सही भी है क्योंकि आज दिन भर हम लोग घर में ही है। हाँ पर मैं नामकरण में आ पाऊंगा मम्मी, अब बात नहीं, तू शादी में चले आना शाम को पार्टी, रात में चले जाऊंगा शादी में। सर कैसे? मैं तो चला सीधे नहाने के लिए और हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इस ब्लॉग की मैंने एडिटिंग भी नहीं कर रही, पता नहीं कब अपलोड होगा, अभी आज ऐसे लेट में अपलोड हो गया ब्लॉग। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।